मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना क्षेत्र के अंतर्गत सौराठ सभागाछी स्थित मधुबनी से पखरौनी जाने वाले मुख्य मार्ग पर मधुबनी की ओर से आ रहे ट्रक व पखरौनी से मधुबनी जा रहे ट्रक सौराठ सभागाछी मंदिर के पीछे मुख्य मार्ग पर जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों ट्रक का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और दोनों वाहन के चालक के साथ उपचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना 26 जनवरी की सुबह 7 बजे की है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना रहिका थाना पुलिस को दी है। मौके पर रहिका थाना पुलिस SI विनय शर्मा, SI रंजीत कुमार पासवान अपने दलबल के साथ घटना स्थल पहुंचे। दोनों वाहन से जख्मी चालक को बाहर निकालकर स्थानीय लोगों के सहयोग से नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहिका लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर नाजुक हालत देखते हुए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार तीनों जख्मी की पहचान नालंदा जिला के सुमन कुमार पिता चंदे कुमार, दूसरा अक्षय कुमार पिता रामतेज वर्मा अयोध्या, तीसरा केसर झा पिता ललित झा सहारनपुर को बताया जा रहा है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि दोनों वाहन को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। रहिका से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। लगभग 7:30 सुबह में है। सुबह कुहासा लगा था काफी ज्यादा। कोई जख्मी भी है? जख्मी भी है? कोई जख्मी है? दो ड्राइवर का टांग जो है टूटा हुआ है। कहाँ का ड्राइवर है कुछ पता चला? कंफर्म नहीं बता सकते। आप अपना परिचय बताइए। हम रेखा थाना का पुलिस स्टाफ है, ग्रामीण पुलिस, जो हमें यहाँ पे ड्यूटी लगाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव कुमार हुआ। कहाँ घटी है ये घटना? सौराठ सभागाछी के मंदिर के पीछे। सोमनाथ मंदिर के पीछे।